संसार पुस्तक है। इसमें पहले अभी हमने पहले वीडियो में बताया था कि एक छोटा घोड़ा अपनी कहानी बता रहा है कि पहले वो भी एक चट्टान हुआ करता था और जब उसके टुकड़े हुए, वो टूट के जब गिरा तो नाले में बहा, नदी और आगे बहा के ले गई, उसके किनारे घिसे और घिस घिस कर वो चिकना हो गया। पहले जब उसके टुकड़े हुए थे तो किसी चीज के जब टुकड़े हो गए तो वो नुकीला होता है, चार उसके कोने होते हैं, और जब वो पानी में पड़ा रहा, जब कोई चीज पानी में पड़ी रहेगी तो उसके धीरे धीरे पानी गिरता रहेगा गिरता रहेगा तो चिकना होता रहेगा, और जब वो और आगे बढ़ा तो अपने आप अपने मुंह से अपनी कहानी बता रहा है। आप ऐसा सोचिए, क्योंकि हम इमेजिन ही कर सकते हैं इस संसार को पढ़ने के लिए, हम अपने आप को कैसे प्यार करें। वो देवी आप वो रोड़ा हुए बता रहा है एक तरह से कि हम कैसे पानी में बहते बहते आगे बढ़े। और ये देखिए, जैसे अगर यहाँ से कोई टुकड़ा गिरा और टुकड़ा गिरकर वो पानी में पड़ा रहा, फिर पानी तेज से आया तो बहकर आगे आया, आगे बढ़ बढ़ के फिर वो जब आगे बढ़ेगा तो छोटा सा बचेगा, क्योंकि पानी बहकर जैसे जैसे बहेगा तो उसमें जो और टुकड़े पड़े होते हैं, नदी में देखा है आपने बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, तो वो पत्थर जो है उसको घिसते रहते हैं, और जब आगे बढ़ा तो वो बिल्कुल ही पतला छोटा सा गोल टुकड़ा हो गया, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ। वो बताता है अगर मुझे और आगे बढ़ा कर ले जाया गया तो मैं समुद्र, ये आपको समुद्र दिख रहा है ना, उसके किनारे बालू का कण बन जाऊंगा। जो आप बालू देखते हैं वो भी चट्टान का ही टुकड़ा होता है, वो जो बालू है, और इस बालू में फिर आपके बच्चे घरौंदे बनाएंगे। आपने देखा है ना घरौंदे, घरौंदे बनाते हैं वो रेत के कण जो होते हैं उसको इकट्ठा करके उसमें हाथ घुसे कर और घर जैसा बना देते हैं। तो वो बताते हैं कि बच्चे जो है उसमें घरौंदे बनाते, मैं एक चट्टान का ही टुकड़ा हूँ जिसे आज मुझे आप बालू के रूप में देख रहे हैं। पहले वो गोल टुकड़े के रूप में देख रहा है, उसके बाद बता रहे हैं वो बता रहा है अगर मैं और आगे चला जाता तो क्या होता, मैं भी एक बालू का कण बन जाता और किसी समुद्र के किनारे सुंदरता बढ़ाता होता। समझ में आया बच्चों आपको? तो इस तरह से हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसमें उसके प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया आपको ये पार्ट? ओके।